हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। मैं राज जोशी आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया बैच कोर्स जो कि 1 जुलाई से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो जो हम पहला सब्जेक्ट उसमें पढ़ने जा रहे हैं वो होगा सॉइल मैकेनिक्स। तो इस डेमो वीडियो में हम लोग थोड़ा से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ रैंडम टॉपिक्स लिए हैं, रैंडम क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप अपने कंसेप्ट को टेस्ट कर सकें, ठीक है, और जान सके कि आपकी स्टडीज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ कंसेप्ट सॉइल मैकेनिक्स के। तो चलिए देखते हैं कुछ कंसेप्ट जो आपने पढ़े होंगे, आइए उन्हें ब्रशअप करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले फॉर्मूलेस वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि अक्सर सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। जब आप मेरी पेड वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये सारी जो भी कंसेप्ट है ये सब पूरा ड्राइव करके मैंने समझाया हुआ अच्छे से प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी मोटा मोटा देखते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। पहला फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो ई स्टैंड्स फॉर वॉइड रेशियो, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर वॉइड रेशियो। वी टी स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम। वी टी जो है वो है सॉइल टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस टोटल वॉल्यूम में क्या क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। और हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मूले में वी एस। वी एस होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 जुलाई वाले पेड लेक्चर में। अभी खाली आप ये फॉर्मूले देखिए, थोड़ा सा इनके जो नोटेशन है उनके बारे में समझ लीजिए, फिर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ई होता है वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। एंड पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। फिर हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं, वो है हमारा वेट से रिलेटेड है। तो वेट में हमारा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये जो वाटर कंटेंट है, ये स्मॉल जो W है, ये ऐसे मैंने इसे घुमा रखा है हल्का सा, तो ये वाटर कंटेंट है, स्मॉल W है, कैपिटल W है, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में वेट दिया होगा सॉइल मास का और हमसे वाटर कंटेंट पूछ लेगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब रिलेशनशिप है, इंटरलिंक है आपस में ये सब, ठीक है। कभी आपको वॉल्यूम दे के आपसे वेट पूछ लेगा, वेट दे के वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है। जनरली बोरोपिटी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहीं से हमें कुछ मटेरियल निकालना होता है, अभी हमारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसको कहीं और फिल करना होता है, तो उसमें ये कंसेप्ट लगता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। आप कहीं से भी खड्डा अगर खोदते हैं तो खड्डा खोदेंगे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, वो है हमारा ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें चार हमारे एनोटेशन है। पहला जो है वो हमारा है ई, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ई हमारा वॉइड रेशियो होता है, ठीक है। एस होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यानी कि कितना वाटर कंटेंट पानी में मौजूद है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू में 100, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया। फिर जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डब्ल्यू हमारा वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और वाटर कंटेंट हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट का, मैं इसे रब कर रहा हूँ यहाँ पे पहले वाली लाइन, ये आपने नोट कर ली होगी तो नोट कर लीजिए। वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू में 100। ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है गामा बी को हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, गामा बी, हम गामा बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस में कर सकते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम में कर सकते हैं, ठीक है, या मास पर यूनिट वॉल्यूम में कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो गामा बी है हमारे पास यहाँ पे, तो गामा बी का फॉर्मूला हमारा होता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। तो जी हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई हो गया वॉइड रेशियो, गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर जनरली हम लोग ले लेते हैं 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा गामा डब्ल्यू 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें कभी कभी दी होती है 9.81, ठीक है, या कभी कभी इसको 10 भी ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन होता है हमें, ठीक है। बाकी जो भी ये सब जो टर्म है, ये कैसे आई, ये कैसे बनी, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये सब की डेरिवेशन हम लोग हमारे पेड कोर्स में देख लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है ये हमारा। अब गामा सैचुरेटेड में क्या हुआ, गामा बल्क में हमारे पास, गामा बल्क में बेसिकली सॉइल जो होती है उसके अंदर कुछ पानी मौजूद होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सैचुरेशन टर्म यहाँ पर आई हुई है। लेकिन जब जब हमारा जो सॉइल सॉलिड है, जो पूरा का पूरा सॉइल मास है, वो 100% सैचुरेटेड हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो सैचुरेशन है वो 100% हो गया है। तो इट मीन्स दैट क्या, जो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 हो गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है गामा सैचुरेटेड में, तो ये हमारे पास बनता है जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बस क्योंकि सॉइल अब सैचुरेशन मोड में आ गई है, पहले वो बल्क फॉर्म में थी, अब उसमें पानी इतना ऐड हो गया कि उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो थे वो सारे के सारे पानी से फिल हो चुके हैं। जब सारे के सारे वॉइड पानी से फिल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड हो जाती है, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में एस जो है वो 100% हो जाता है, तो 100% को हम 1 लिखते हैं, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग गामा डी। गामा डी स्टैंड्स फॉर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड यूनिट हमारे से सेम रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ड्राई डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी आपकी यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, तो ड्राई डेंसिटी की बात चल रही थी यहाँ पे, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हमारी सॉइल कैसी थी, बल्क थी, बल्क में यानी कि कुछ वाटर कंटेंट था यहाँ पे हमारे पास। अब क्या हुआ, अब हमारी सॉइल होगी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब जो वॉइड्स हैं उनमें पानी फिल अप हो गया है, ठीक है। तो यानी कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, वो 100 हो गई है, 100 हो गई, इट मीन्स दैट सैचुरेशन 1 हो गया है, 1 हो गया, तो एस हमारा यहाँ से 1 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो अब पानी है ही नहीं, अब पानी है नहीं यानी कि पानी है नहीं, तो एस इज इक्वल टू 0। अब जब एस 0 हुआ तो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये जो टर्म है गामा बी वाली, गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, तो जो एस हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो जी प्लस, अब तो एस तो 0 हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो जी इंटू में गामा डब्ल्यू बचा ऊपर में यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, तो ये आ गया आपका गामा डी। तो ड्राई डेंसिटी के केस में हमारी सॉइल क्या होती है, वो ड्राई हो जाती है, ड्राई वाटर इट मीन दैट उसमें वाटर कंटेंट बचता ही नहीं है, तो वाटर कंटेंट है ही नहीं तो सैचुरेशन कहाँ से होगा उसमें, सैचुरेशन हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लेते हैं, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, ये सारे डेरिवेशन है, ठीक है, जो ये बेसिकली हमने फॉर्मूला बल्क के लिए डिज़ाइन किया था, उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले हमारे खुद ब खुद बनते चले गए एज पर द सैचुरेशन कंडीशंस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अब हमारे पास गामा डी का एक फॉर्मूला ये है, कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, वॉइड रेशियो दे देगा, बोलेगा आपसे गामा डी बता दो तो ये फॉर्मूला लगा लो, और कभी कभी क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि आपके पास गामा बी है यानी कि बल्क डेंसिटी है आपके पास सॉइल की, और पूछ लेगा कि आप बता दो हमें गामा डी, ठीक है, उसके लिए आपको वाटर कंटेंट भी पता होना चाहिए। तो साथ के साथ ये फॉर्मूला हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आया उस केस में कि गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास, इनमें से जो कुछ फॉर्मूले हमने खुद ड्राइव किए हैं, कुछ फॉर्मूले हमारे पास टेस्ट करके परफॉर्म करके, जो साइड में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वहाँ से निकल करके आए हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो कोर्सेज में आगे, ठीक है। अभी आप खाली फॉर्मूले फोकस करिए, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए अगर आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है, ये नोटेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला होता है वॉइड रेशियो का। वॉइड रेशियो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अच्छा मैंने मिटा दिया यहाँ पे। तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू में 100, ये होता है हमारा वॉइड रेशियो। अब इसको हम पोरोसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन में, जेई में अक्सर ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो आपको पोरोसिटी दे देगा,
और आपसे वॉइड रेशो पूछ लेगा। अब पोरोसिटी और वॉइड रेशो क्या होता है, कैसे होता है, ये मेरा अभी डिस्कशन का कंसर्न नहीं है। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे अपने बैच कोर्स में। अभी हम खाली मोटा मोटा समझ रहे हैं चीज़ों को, फॉर्मूले समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से वॉइड रेशो निकाल सकते हैं, आपको पोरोसिटी दी होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि वॉइस वर्सा, रिवर्स, पोरोसिटी दे देगा, वॉइड रेशो पूछ लेगा, कैसे करोगे, ये है ई अपॉन वन प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूले से, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आता है डेरिवेशन करने के बाद, ठीक है। इसमें जो जो एनोटेशन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, वाटर कंटेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वेट ऑफ यूनिट ऑफ वाटर है, ये गामा भी है, बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये सब रिलेशन जब हम एक साथ सारे फॉर्मूले पुटअप करते हैं, ड्राइव करते हैं, तब ये रिलेशन निकल करके आती है। जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो डायरेक्ट आपको दे देगा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करके ऑप्शंस में डाल देगा, आपको पहचानना होगा। या तो आप यार डायरेक्ट याद कर लो ये फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है, या आपको ड्राइव करना चाहिए। तो ड्राइव करना है तो वो मैं आपको अपने वो वीडियो में मैंने बना रखा है, वो सारा पूरा हमारा स्ट्रक्चर तरीके से पूरा वीडियो बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं डेरिवेशन। याद करना आप यहाँ से याद कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारे पास है गामा डी, गामा डी का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, तीसरे नंबर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पहला फॉर्मूला हमने देखा था गामा डी का, वो था ये, जिसमें सेचुरेशन जीरो हो जाता है, ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था जिसमें हमें गामा बी दिया होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो तीन तरीके से हम ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सॉलिड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें है वन माइनस परसेंटेज एयर वॉइड, जी जी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन। तो ये फॉर्मूला है, इसको रख करके आप अगर आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट भी गामा डी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर ये भी नहीं दिया तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तीन फॉर्मूले आपको मैंने गामा डी के भी बता दिए हैं। तो मेरा मोटा मोटा पर्पस यही था कि आपको मैं फॉर्मूलों से एक बार रूबरू करा दूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं सॉइल में, ठीक है। हमने उनके एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया ताकि हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर सकें, कुछ कंसेप्ट लगा सकें और क्वेश्चन बना सकें जो भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी जो डिटेल वगैरह है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले कोर्सेज में, ये बस एक डेमो वीडियो समझिए इसको। तो आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं देखिए बड़े क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो जेई में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन से एन नंबर ऑफ कंसेप्ट लेके चले जाएंगे, हम एक ही क्वेश्चन में 10 तरीके के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। अब जब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, अब वो तो ऐसा है नहीं कि भाई वो तुमसे पर्टिकुलरली फॉर्मूला पूछेगा, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। अभी मैंने आपको 12 फॉर्मूले दिखाए हैं, सॉइल में 1000 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब 1000 फॉर्मूले के लिए 1000 क्वेश्चन लगाओगे नहीं, एक क्वेश्चन लगाओ 1000 बन जाए, 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमने ऐसा काम करना है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन करने में, बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो जो एक बड़ा सवाल होता है वो 10 MCQ आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉइल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉइड्स, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सॉइल ग्रेन की 2.7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसको पहले ब्रेक कर लो क्वेश्चन को, अलग अलग पार्ट में क्या क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को भाई पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जो हमने पहली लाइन पढ़ी उसको आप ब्रेक कर लो, लिख लो गिवन लिख लो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन उतार लो कॉपी में, ठीक है, आराम से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन रब करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो अ सॉइल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड है हमारे पास, हमें पता लग गया है कि हमारे पास सॉइल सॉलिड कितना है, मैंने आपको सॉइल सॉलिड का फॉर्मूला लिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉइड्स, मैंने वॉइड्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है, फॉर्मूला आपको। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉइड्स दिया हुआ है, 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया, वाटर कंटेंट हमें दे रखा है वेट की फॉर्म में 9 ग्राम, ध्यान रखना वेट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है 2.7। अभी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी देख करके आप सॉइल को पहचान सकते हो कि ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ठीक है। मतलब हर एक सॉइल की अपनी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा। अभी तो सवाल है तो सवाल को देखते हैं पहले, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, दूसरी ये लिखी हुई है, तीसरी ये लिखी हुई है, चौथी ये लिखी हुई है, स्टेटमेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है। और फिर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करंट, क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाला सही है,
ठीक है, पहला वाला सही है, ये बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है, इससे मतलब नहीं है हमें, हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हम सवाल सॉल्व करेंगे, हम आंसर निकालेंगे या फिर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार। तो मैंने सबसे पहले गिवन लिख लिया यहाँ पे बोर्ड पे, आप भी अपनी कॉपी में गिवन लिख लीजिएगा। वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हमें पता है, वाटर कंटेंट हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमें दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था सवाल में, उसमें हमने पूछा है कि वेट ऑफ वाटर कंटेंट बता दो, हमें वाटर कंटेंट पूछा उसने हमसे, जो कि हम W से स्मॉल W से डिनोट करते हैं। तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, आपको वेट ऑफ वाटर दिख रहा है यहाँ पे इन 200, ओके, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी इन 200 करके, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 9 ग्राम। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखते रहिएगा साथ साथ। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कितना है, 28 ग्राम दिया हुआ है, 28 ग्राम लिख लिया इन 200। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, यहाँ पे ये ट्रू हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वॉइड रेशियो बता दो। अब दूसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि वॉइड रेशियो बता दो, तो अब हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए वॉइड रेशियो क्या होता है। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अब हमारे पास हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10 cm³ है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालें, तो अब देखते हैं हम लोग अपना नया अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन था हमारा वॉइड रेशियो आपको निकालना है। तो वॉइड रेशियो का हमें फॉर्मूला डायरेक्टली नोन है कि इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें नोन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारा गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड हम कुछ भी ले सकते हैं, उसी का इक्विवेलेंट वेट हमें लेना है नीचे, ओके। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है। तो अब मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, ये यूनिट वेट होता है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखो वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, मुझे इनमें अब रिलेशन में इक्वेशन को इक्वेट करके यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ जी इंटू में गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा एस, ठीक है। गामा एस पता लग गया मुझे, मैं गामा एस उठा के यहाँ रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये जी इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, ठीक है। अब मैं इसको क्या बना सकता हूँ, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए ई निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ वी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो क्या क्या पता है तुम्हें, तुम्हें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पता है, हाँ पता है, तुम्हें जी पता है, हाँ पता है, तुम्हें गामा डब्ल्यू पता है, हाँ पता है। गामा डब्ल्यू क्या कैसे पता है, गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, मैंने बताया था आपको मानते हैं 1 g/cc 9.81 kN/m³ या फिर 10 kN/m³। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उनको देखते हुए मैं यहाँ पे गामा डब्ल्यू को क्या मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे गामा डब्ल्यू को मान रहा हूँ 1 g/cc, ठीक हो गया। तो गामा डब्ल्यू हमारा 1 g/cc, तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है 28 ग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी नोन है 2.7, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। उसको उठा के यहाँ रख दो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दिया हुआ है 10, ये लो भैया 10, कितना हो गया ये 28/27, ये इंटू में 100 रहेगा, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो ये कितना आ गया यहाँ से, तो 2.7 अपॉन में 28 इंटू में 100, तो ये हट जाएगा, तो ऑप्शन देख लेंगे हम 2.7 इंटू में 10, नीचे में 0 से 0 कट गया, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में 10, तो ये रिलेशन भी हमारी ट्रू आ गई। तो आपने क्वेश्चन नोट करा ही होगा,
तो दूसरी भी हमारी ट्रू आ गई, पहली भी ट्रू आ गई। चलिए तीसरी देखते हैं। तो तीसरी में हमसे क्या पूछा उन्होंने, तीसरी में हमसे पूछा उसने सैचुरेशन बता दो भैया। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला भी बताया था। सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू में 100। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो हमें पता थे, अभी हमने निकाले थोड़ी देर पहले। क्या निकाला था वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमने निकाला था 28/2.7, ठीक है, ठीक है, ग्राम पर सीसी, ओके। और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के क्या करेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर है ये, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वेट ऑफ यहाँ से हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो हमें हमने पहले निकाल लिया हमने, अब निकालना है वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ वाटर क्या आ गया यहाँ से, वेट ऑफ वाटर आ गया यहाँ से, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। वेट ऑफ वाटर कितना है, 9 ग्राम है। गामा डब्ल्यू कितना है, 1 ग्राम पर सीसी लिया था हमने, तो वेट ऑफ वाटर आ गया 9/1, ठीक है। उठा कर दो इसमें वैल्यू सारी, कितना हो गया ये 9 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉल्ट कितना था हमारा, कितना था 28/2.7/100, ये आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग आ रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये गलत हो गई रिलेशन हमारी, तो जो थर्ड ऑप्शन था वो गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन क्या था, फोर्थ ऑप्शन क्या था हमसे बता दो कि पोरोसिटी बता दो। तो पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। पोरोसिटी हमारी होती है, मतलब हम पोरोसिटी को जानते हैं एज अ टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स हैं, पूरे के पूरे सॉइल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। जो हमारा ई होता है, वॉइड रेशियो होता है, वो हम लोग हम उसमें बात करते हैं खाली खाली सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में, लेकिन पोरोसिटी में हम लोग बात करते हैं टोटल जो पूरा सॉइल मास है, जिसमें कि आपका मैंने आपको बताया था टोटल में क्या होता है, टोटल में आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें पता है 10, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें पता है 10। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वॉल्यूम में लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड लिख सकता हूँ, वो अलग बात है कि इन केस हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टोटल वॉल्यूम, मुझे क्या क्या क्वांटिटी नोन है, मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू नीटा पोरोसिटी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पता है 10 डिवाइडेड बाय 10, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमने कितना निकाला था, कितना आया था वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमारा 28/27 2.7 आया था, है ना, 2.7 आया था, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 10 × 2 में 2.7 / 28 + 2.7 × 10, ठीक है। तो ये आपकी पोरोसिटी आ जाएगी यहाँ से निकल करके, ठीक है, यहाँ से आपकी पोरोसिटी आ जाएगी। तो अब हमें फाइनली
फाइनल कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से हमारा, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन था वो क्या निकला यहाँ से, तो वो हमारा ये निकलता है कि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो विच ऑप्शन इज ट्रू, द डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सॉइल वाटर रिलेशनशिप की जितने ही फॉर्मूले थे ऑलमोस्ट सब लग गए, है ना। अब उन जो फॉर्मूलेज हैं जो हमने अभी डिस्कस करे, जो भी फॉर्मूलेज थे उन फॉर्मूलोज का सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरीके से ये डेवलप हुए, ठीक है, हमने कैसे कैसे क्या क्या इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, फेज रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ हमारे पेड कोर्स में, हमारे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे आराम से, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।